अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप से मैं शेयर करना चाहते हो और मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप में यूज़ करना चाहते हो तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, बिकॉज़ आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप मोबाइल से मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है बहुत ही यूज़फुल है, और ये जो प्रोसेस है मैं आज स्पेशली और ओनली फॉर बिगिनर्स लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ जिनके हाथ में पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल आया है, तो स्पेशली उनके लिए वीडियो कवर कर रहा हूँ भी, बिकॉज जब मैं बिगिनर्स था एंड्रॉयड मोबाइल के यूज़ करने में तो मुझे भी ये सब फीचर के बारे में नहीं पता था। तो काफ़ी मतलब अमेजिंग फीचर है यार, जो हम एक यूज़र को पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है काफ़ी ईजीएस्ट है, बस आपको मोबाइल में कुछ सेटिंग्स है जिसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क लैपटॉप में शेयर करने से पहले आपके मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज होना चाहिए। तो बस अगर इंटरनेट का रिचार्ज है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलुलर डेटा का, तो यहाँ पे सिंपली इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, ये डेटा के ऑप्शन को। उसके बाद सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे वायरलेस कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, देन पर्सनल हॉटस्पॉट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर देना है। ये सेटिंग का ऑन होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इसके बिना मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप में शेयर नहीं होगा, बिकॉज इसको ही हॉटस्पॉट कहते हैं। और इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा हॉटस्पॉट सेटिंग का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप चाहे तो नाम रख सकते हैं अपने नेटवर्क का, और इसके नीचे एक और आपको सिक्योरिटी मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आप अपना कुछ पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिससे कोई भी थर्ड पार्टी आपके मोबाइल के डेटा का यूज़ ना कर पाए। तो मेरे केसेस में मैं इसे कुछ पासवर्ड सेट नहीं करूँगा, बट इट्स ऑल अप टू यू। बस उसके पास इतना सेटिंग आपको अप्लाई करना है, और अभी जाते हैं लैपटॉप की तरफ। लैपटॉप में जाना है और यहाँ पे आपको नीचे के साइड में यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाईफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे आपको कई सारे नेटवर्क्स मिल जाएंगे, तो ये जो नेटवर्क है करंटली ये ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे वाईफाई से। उसके नीचे एक और ऑप्शन मिल रहा है रियलमी 2, ये मोबाइल का इंटरनेट है तो हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कनेक्ट करना है। ये अभी कनेक्ट हो रहा है, बस ये हो गया कनेक्टेड। अब देखते हैं मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम सा आर्टिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ, सो लेट्स सिलेक्ट दिस आर्टिकल, देखते हैं यहाँ पे ये इंटरनेट वर्क कर रहा है कि नहीं। वर्क कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, तो यू कैन सी दैट। तो बस इसी तरीके से ही मोबाइल का जो नेटवर्क है वो आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना है, और लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना है मोबाइल के डेटा का ये सुख है। तो प्रोसीजर काफ़ी इजी है, तो इसी तरीके से आपको ये करना है। ये स्पेशली न्यू यूज़र के लिए था, ये आपको 2020 और आगे भी बहुत काम आएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।